11 लोगों की मौत हो गई है इटावा सड़क हादसे में और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आगरा में डीसीएम में 60 से 70 लोग मुंडन संस्कार के लिए लखना देवी मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, तभी इसी बीच अचानक डीसीएम का संतुलन बिगड़ गया और वो 25 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गई। डीसीएम पलटने से कोहराम मच गया। चीख पुकार के बीच स्थानीय लोगों ने किसी तरह से राहत बचाव कार्य शुरू किया। इसी बीच पुलिस अधिकारी फोर्सेस के साथ मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हादसे में 10 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अभी भी कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए दुख व्यक्त किया है। हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। और ये देखिए तस्वीरें, ये पूरा कुनबा 50 से 60 लोगों का बड़ी खुशी खुशी मुंडन कराने के लिए अपने घर में शुभ काम के लिए निकला था, लेकिन ये रास्ता है इटावा का, जहां संतुलन बिगड़ने से बताया जा रहा है कि ये डीसीएम 25 फीट गहरी खाई में जा गिरे। चलिए ज्यादा जानकारी मोहम्मद पारिक से लेते हैं। पारिक, ये बताइए कि घायलों में से एक की जान जा चुकी है, बाकी जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? जी, आपको बता दें कि अभी अभी ताजा जानकारी मिली है, उसमें मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। एक महिला ने अभी और दम तोड़ दिया है। बाकी जो 4 से 5 नाजुक जिनकी हालत बनी हुई है उनको सैफी पीजीआई भेजा गया है और बाकी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी जी, और ऐसे में प्रशासन की ओर से कौन कौन लोग आए हैं? सीएम ने खुद संज्ञान लिया है, 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। जी, प्रशासन के सभी आला अधिकारी, जिला अधिकारी श्रुति सिंह, एसएसपी ब्रजेश कुमार से लेकर के एसडीएम और सारा पुलिस फोर्स इस टाइम जिला अस्पताल में तैनात है। जिला अस्पताल की एम्बुलेंस मौके घटना स्थल पर लगी हुई है, वहां से बराबर घायलों को जिला अस्पताल और जिला अस्पताल से सैफई भेजा जा रहा है। जी, जिस गाँव से ये डीसीएम चली होगी उस गाँव में ये खबर गई होगी, वो खबर देख भी रहे होंगे, 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है, उस गाँव से क्या खबर मिल पा रही है? वहाँ तो कोहराम मच गया होगा पारिक। जी हाँ, बिल्कुल, पिनाहट से ये बताया जा रहा है कि एक परिवार था जहाँ मन्नत का एक बच्चा था, उसको मन्नत के मुंडन कराने के लिए लखना का जो ऐतिहासिक कालका देवी मंदिर है वहाँ मुंडन कराने के लिए जा रहे थे। बड़े खुशी खुशी पूरा परिवार था और एक ही घर परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, साथ ही गाँव के कुछ और लोग उस डीसीएम में शामिल हो जाते हैं। 50 से 60 लोग बताए जा रहे हैं। दोपहर का 3:30 का वक्त था और जब ये चंबल के बिहड़ से होती हुई ये डीसीएम बड़तरा थाने से निकलती है तो तेज जहाँ मोड़ आता है वहाँ पर ये होकर के खाई में गिर जाती है। आसपास गांव वाले मौके पर दौड़ते हैं, आला अधिकारियों को सूचना दी जाती है, तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है। 25 फीट गहरी खाई में एम्बुलेंस गिरती है जिसमें हेड इंजरी, ज्यादातर लोगों के हेड इंजरी हुई है, उससे मौत हुई है। जी, दुखद है ये घटना। फारिक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव की, जहां इस बार बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रही हैं। इसमें एक महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं जिसने अपने सटीक निशाने की बदौलत प्रतियोगिताओं में जिले, राज्य और देश का मान बढ़ा है, लेकिन अब ये इंटरनेशनल शूटर पंचायत चुनाव के मैदान में है। उनका लक्ष्य है ग्राम प्रधानी का पद। देखिए मुजफ्फरनगर से एबीपी गंगा की ये खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की गलियों में महिलाओं, नौजवानों के साथ जनता से वोट मांग रही ये हैं इंटरनेशनल शूटर नेहा तोमर। यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार इस खिलाड़ी ने भी मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक के गांव मखियाली से प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया है और इन दोनों नेहा तोमर शूटिंग को अल्प विराम देकर अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रही है, इस उम्मीद के साथ कि जीत हासिल करने के बाद वो अपने गांव की तस्वीर बदलने के लिए काम कर सके। ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने का मन, जैसे मेरे जो मम्मी पापा हैं वो काफी, मतलब 6-7 साल से उनका मन था और वो उसमें लगे हुए थे चुनाव की तैयारियों में। उनका मन था कि हमें अपने गांव की सेवा करनी है और जब से 3 साल से मैं शूटिंग में आई हूँ तो एक नया करियर, एक नया फील्ड मिला है स्पोर्ट्स का, तो उससे वो और ज्यादा मोटिवेट हुए कि हमें नया की तरह अपने गाँव के और भी बच्चे कामयाब करने हैं। अब जैसे हमारे गांव में महिला आरक्षित सीट आ गई है तो उसके बाद फिर पापा का सपना, मम्मी का सपना पूरा करने के लिए और अपने गांव में देखते हुए स्थिति को कि मुजफ्फरनगर के इतने पास होने के बाद भी हमारा गांव बहुत पीछे है। इस बार पंचायत चुनाव में नेहा के गांव मखियाली में
प्रधान का पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ तो नेहा ने भी ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, जिस पर नेहा के किसान पिता राजीव तोमर और माँ रेनू तोमर ने भी रजामंदी दे दी, जिसके बाद नेहा तोमर ने ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और उनके इस कदम का गाँव के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। जी, मेरा यही कहना है कि बच्चों को, युवाओं को आना चाहिए आगे, जैसे हमारे योगी जी, मोदी जी भी कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। तो नेहा नए साल पे मेरे साथ कैलेंडर बंटवाने गई थी गांव में, तो तब ये वहां से वाकिफ हुई कि हमारे गांव में बहुत ही गरीबी स्थिति में रहते हैं कुछ घर, तो उन चीज़ों को देख कर ये थोड़ा दुखी हुई और इसने कहा कि नहीं मम्मी, आप चुनाव लड़ो और अगर आप भी नहीं लड़ोगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी अपने युवाओं के लिए, ताकि मैं हर घर से अपने जैसी बहन और भाई को निकाल सकूं। नेहा ने 2018 में कुवैत में एशियन एयर गन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा वो राज्य राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पदक जीत चुकी हैं और अब नेहा की निगाहें ओलंपिक मेडल पर टिकी हुई हैं। लेकिन वो अपने साथ अपने गाँव के युवाओं को भी खेलों और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है और इसीलिए नेहा अपने गाँव की कमान संभालना चाहती है। मुजफ्फरनगर से एबीपी गंगा की अभिषेक बेनीवाल की रिपोर्ट। तो देखते हैं नेहा का निशाना इस बार कैसा लगता है पंचायत चुनाव में। तो इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बुंदेलखंड के जालौन जिले का आटा ग्राम पंचायत सीट सुर्खियों में। देश की आजादी के बाद आटा ग्राम पंचायत को पहली बार कोई महिला ग्राम प्रधान मिलेगी, क्योंकि आज तक इस सीट से कभी कोई महिला प्रधान चुनी ही नहीं गई। लेकिन इस बार के चुनाव में जालौन के इस ग्राम पंचायत सीट को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है, ये खबर बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जौनपुर की, जहां से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं, ये सीट बड़ी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि पूर्व मिस इंडिया रनर अप दीक्षा सिंह यहां से चुनाव लड़ रही है। ये हमसे सीधे जुड़ेंगी, आइए इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर, चकाचौंध की दुनिया को छोड़कर पंचायत चुनाव के रण में वो आखिरकार कैसे उतर आएंगे। दीक्षा, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी स्नेहलता जी, नमस्ते। दीक्षा, एक ब्यूटी पेजेंट का जब ताज या फिर ये जब कोई लेडी जीतती है तो उसे ये एंटिसिपेट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है वो ब्यूटी विद ब्रेन होगी। तो आप आज अपने किन किन ताकत के साथ पंचायत चुनाव के रण में हैं, आपको क्या लगता है आप क्यों फिट हैं जहाँ आप हैं? मैम, सबसे बड़ी बात तो ये कि सच बताओ तो ऑनेस्टली इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर मी, व्हाई पीपल आर सरप्राइज्ड इफ समबडी यंग और लाइक मी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल, एज अ यंग जनरेशन, इफ आई वांट टू डू समथिंग, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे आगे आगे करना चाहिए। अब लोग मुझे पूछते हैं तुम ये कर रही थी, तुम ये क्यों कर रही हो, मैं पूछना चाहूँगी आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो, आपको ये पूछना चाहिए कम से कम तुम कर तो रही हो, वी आर अप्रिशिएटिंग यू, वी विद यू। आपको क्यों लगता है कि आप फिट हैं? मेरा सवाल ये था दीक्षा, ये मुझे पता है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है अगर जितनी एलिजिबिलिटी है पूरा कर ले। आपको अपनी ताकत क्या लगती है कि आपको लगता है जौनपुर में आप जहाँ से चुनाव लड़ रही हैं वो बदलाव लेकर आ सकती हैं? जी मैम, ऑनेस्टली मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आई एम अ वेरी एक्सट्रीमली फिट पर्सन फॉर पॉलिटिक्स और समथिंग लाइक दैट। आई विल जस्ट से दैट मेरे में एक कुछ करने का जज्बा है, और जब आप दिल से कुछ करना चाहते हो ना तो वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। एंड सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल थिंग्स, देन आई हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस, आई हैव ऑलवेज बीन अ स्पीकर इन कॉलेज, आई वॉज इन डिबेट कॉम्पिटिशन, एंड आई एम यूज टू डूइंग थिंग्स लाइक दिस, लाइक पुटिंग आउट माई ओपिनियन आउट देयर इन पब्लिक, एंड आई लाइक डूइंग दैट बिकॉज आई नो दैट इट्स इम्पॉर्टेंट। जी, ये आपको लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है आपको। तो दीक्षा, ये बड़ा आम सी धारणा है लोगों की, जब कोई ग्लैमर वर्ड से आता है तो उसे समझ लिया जाता है कि हाँ खूबसूरती, लेकिन इसीलिए मैं जानती हूँ कि आपने ब्यूटी वाला ताज अपने दिमाग से भी जीता होगा, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन है आप। लेकिन जौनपुर के लिए क्या खास करना चाहेंगी आप? आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपकी खास निगाह है, जो चीज़ आपको बहुत ट्रिगर करी हो ये देखने के बाद कि हाँ मैं यहाँ राजनीति में जाके इस चीज़ को बदल सकती हूँ? जी मैम, सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं खुद इस गांव की बच्ची हूँ,
मैं 3 साल तक यहीं पे थी, मैंने यहीं पे स्कूलिंग की है, मुझे पता होता है कि गाय, गोबर, भैंस, स्कूल, ये सारी बेसिक चीज़ें क्या होती है, बिकॉज आई लिव दैट लाइफ। आई नो दैट कि जब आपके घर में वॉशरूम नहीं होता और आपको रात अंधेरा होने का वेट करना पड़ता है और सारी औरतें गली मोहल्ले से साथ में निकल के लाइन में जाती हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तक मिसिंग है। मैं आपको 10-15 साल पहले की कहानी बता रही हूँ, ये आज तक मेरे गांव की कहानी है। जब तक कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, एंड सड़कें तो मुझे दीक्षा की आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन तो जी 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 आप कंप्लीट कीजिए, दीक्षा आप कंप्लीट कीजिए। जी मैं कह रही हूँ कि आज तक सड़कें नहीं हैं। अगर मैं अकेले मैं ड्राइव कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने गांव आ जाऊं, अपने जौनपुर में आ जाऊं, मैं खुद अकेले अपने गांव नहीं पहुंच सकती, क्योंकि रास्ते नहीं हैं, क्योंकि रास्ते यहां से वहां से हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारी महिलाएं हैं, आज तक लोग मुझे अभी भी ये सवाल पूछते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप अभी जीन्स पहन के बाहर निकल रही हैं, क्या ये सही है? मेरे पापा से पूछा जा रहा है कि आप अपनी बीवी को भी तो खड़ा कर सकते थे, अपनी बेटी को क्यों खड़ा किया? ऐसे सवाल, ऐसी मानसिकता आज तक हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। बट जब मैं पर्सनली लोगों के घर जाकर अपनी बहनों से, लड़कियों से मिल रही हूँ, तो आप जानते हैं अंदर बंद कमरे में वो कहती हैं कि मैम आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और हमारी तरफ से आपको पूरा योगदान। चलिए ये अच्छा लगा। बाकी प्रत्याशियों के साथ जब कंधा से कंधा मिलाती हैं अब प्रचार की बारी, तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि गाय, गोबर, ये सारी चीजें आप जानती हैं, आपको देख के बहुत से लोग तो मानेंगे ही नहीं। जी ये बात भी सच है। एक्चुअली मैं तो अपनी अवध जो हमारी भाषा है मैं उसमें भी बात कर सकती हूँ, करिए ना आप। ये मैंने अचानक से कोई डिसीजन नहीं लिया कि मैं अब अपने गांव वापस आऊंगी, तो हम कहा था कि हम अचानक से ना ही सोचे हैं कि हम अब अपने गांव आई जाब और इक्वल करब, हमारा हमेशा से मन रहा, हमार अम्मा और हमार बब्बा यहीं रहत है, हम यही गांव के लड़की है, अपने गांव में तो कुछ करे चाहत है और ये हमारे गांव के लोग समझ जाए तो उनके लिए बेहतर हो, काहे कि हम यहाँ कोनो लड़ाई लड़ाई ना आए हैं, हम अपने गांव के हित में आए हैं। अगर जो मेरे सामने वाली पार्टी है अगर वो भी जीत जाती तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, अगर वो अच्छा कर दे मेरे गांव के लिए तो भी। दीक्षा बेटी आगे का करी है, अबाउट डूइंग, दीक्षा बेटी आगे का करी है, अगर चुनाव जीत गई है तो आगे का करी है। अब देखा अगर हमारे गांव वाले हमें इतना प्यार दे ही दी हैं तो आगे तो हमें बढ़ाई पड़े, कहे कि इतना जो सम्मान हमें मिल जाए ओका आगे बढ़ावे का हमारी जिम्मेदारी हो जाते। लड़ाई लड़क पड़ी जोर से, सज्जो विभाग से पैसा निकाल के गांव में खपाए पड़ी। हाँ एकदम मैडम, आप तो मतलब छा गए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप भी। क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी से जुड़ी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ दीक्षा, तो जो आपको ले लेके इमेज भी बनाई जाती होगी वो चैलेंजेस है, उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं, उसे ब्रेक करने के लिए आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी महसूस करती हैं आप? यस थैंक यू सो मच कि आप तो कर रहे हैं, बट उनके लिए सवाल ये है कि ये लड़की जिसका करियर ठीक ठाक चल रहा था वो ये क्यों कर रही है? उनका सवाल ये नहीं है कि कम से कम एक युवा इंसान, कोई युवा लड़की बाहर आकर ये करने की कोशिश तो कर रही है, उनका ये मुद्दा नहीं। हमारे तो बिल्कुल दीक्षा को सुना आपने, जहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक युवा वो अपने आप को ग्लैमर वर्ड से अलग हटके बताना ये चाह रही है, सबसे पहले तो जौनपुर की बेटी हूँ, मिट्टी से जुड़ी हूँ, अवधि भी आती है, गोबर गाय भी समझती हैं। दूसरी चीज ये कि युवा होने के नाते अगर राजनीति के क्षेत्र में कोई आना चाहता है तो ये एक अलग कह सकते हैं कि रोल मॉडल बनने की तमन्ना भी हो सकती है। तो दीक्षा से बातचीत करके हमने आपको ये सारी चीजें साफ कराई। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बुंदेलखंड के जालौन जिले की आटा ग्राम पंचायत सीट सुर्खियों में है। क्यों? देश की आजादी के बाद अब आटा ग्राम पंचायत को पहली बार कोई महिला ग्राम प्रधान मिलेगी, क्योंकि आज तक इस सीट पर कभी कोई महिला प्रधान चुनी ही नहीं गई। लेकिन इस बार के चुनाव में जालौन के इस ग्राम पंचायत सीट को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यूपी में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार जालौन का ग्राम पंचायत आटा चर्चा में है।
क्योंकि 60 साल में पहली बार इस गांव की कमान किसी महिला के हाथ में जाएगी। दरअसल इस बार के पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत आटा की सीट सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, जिसके बाद गांव की महिलाएं इस बार चुनाव को लेकर खासी उत्साहित हैं। हमारे गांव में लगभग 5,000 की वोटिंग है और आबादी लगभग 10,000 की है। इस वक्त बड़ी खुशी की बात है कि कई सालों के बाद सामान्य सीट आई है और बहुत गर्व की बात है ये कि कम से कम हम महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेट प्रतिभाग करने का मौका मिला है। मेरे गांव में महिला सामान्य सीट आई है और मेरे देखते हुए पहली बार है और आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जो महिला सीट आई है हमारे ग्राम आटा में। और इसका इफेक्ट मैं एक ये भी कह सकती हूँ कि लॉकडाउन के बाद जो महिलाओं का स्तर है, बराबरी स्तर है, वो केवल महज 9% रह गया है। आज़ादी के बाद से अब तक हुए ग्राम पंचायत चुनाव में 10 बार पुरुष ग्राम प्रधान निर्वाचित हो चुके हैं। साल 1959 में पहली बार आटा ग्राम पंचायत में प्रधान पद का चुनाव हुआ था और तब से लेकर आज तक एक बार भी ये सीट महिलाओं के हिस्से में नहीं आई थी। लेकिन ये पहला मौका होगा जब गांव वाले प्रधान पद पर महिला का चुनाव करेंगे। कम से कम आज़ादी के बाद से इस देश को जो शुरुआत हुई है उससे पहली बार आटा मौका मिला है किसी महिला को यहाँ पर चुनाव लड़ने का। और महिला अगर प्रधान रहेगी तो उसको भी मौका मिलेगा, ईमानदार भी रहेगी। और हम लोगों का एक ही है कि शिक्षित हो तो साधारणता महिला सबसे मिल सके, जिससे गांव का विकास हो सके। करीब 10,000 की आबादी वाली ग्राम पंचायत आटा में कुल 5,204 मतदाता हैं, जिसमें 42% अनुसूचित जाति के वोटर हैं, जबकि करीब 10% वोटर अनुसूचित जनजाति के हैं। इसके अलावा 40% वोटर पिछड़ी जाति के हैं, जबकि 17% सामान्य मतदाता हैं। लेकिन जाति से ऊपर उठकर गांव के लोग इस बार महिला सीट आरक्षित होने से उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि पहली बार कोई महिला प्रधान बनने के बाद ईमानदारी से गांव का विकास करेगी। हमारे यहाँ लगभग 5,200 की वोटिंग है। आबादी कितनी होगी? लगभग 10,000 के आसपास की है। अच्छा, इस बार कौन सी सीट आई है आपके गांव में? हमारे यहाँ महिला सामान्य सीट आई है और अच्छी बात यह है कि जब से देश आजाद हुआ तब से यहाँ महिला सीट कभी नहीं आई और ये बहुत हम गांव वालों के लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि ये जो है महिला सीट आई है। वैसे भी सरकारें चाहती भी हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। आटा ग्राम पंचायत की महिलाओं का मानना है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बातें तो लंबे वक्त से हो रही थी, लेकिन उनके गांव को महिला आरक्षित होने के लिए 6 दशक का लंबा वक्त लग गया। हालांकि गांव की महिलाएं इस बात से खुश हैं कि देर से ही सही, लेकिन सरकार ने उनके गांव की महिलाओं को आगे लाने के लिए दुरुस्त फैसला लिया है। जालौन से बीपी गंगा के लिए मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। तो आटा की कमान होगी महिलाओं के हाथ। तो ये था आज का पंचायत 75।